शहर में लगातार तीसरे दिन भी गोली चली। अभी देर शाम कस्बा थाना क्षेत्र के लीची बगान के पास अब बाइक सवार तीन अपराधियों ने एक टू व्हीलर कंपनी के सेल्समैन विकास कुमार को गोली मार दी। अपराधियों ने गोली मारने से पहले विकास के बैग, पर्स और मोबाइल भी छीन लिया और जाते जाते पैर में गोली मार दी। विकास का इलाज सदर अस्पताल पूर्णिया में चल रहा है और खतरे से बाहर बताया जाता है। विकास कटिहार जिले के कोड़ा प्रखंड के फुलौरिया का निवासी है। पुलिस ने मामले की जाँच प्रारंभ कर दी है। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। घटी कैसे घटना घटी? हम आ रहे थे, पीछे से जो है ना रोकने का कोशिश किया, तो हम जब गाड़ी सटाने लगा तो फिर हम रोक दिए। रोकने के बाद बोला जल्दी से पैसा निकालो, पैसा हम निकाल करके उसको दे दिए, फिर पर्स दे दिए। उसके बाद बोला कि मोबाइल भी ला, मोबाइल लिए, चाबी लिया, सब कुछ ले लिया। उसी बीच में देते टाइम में जो है मेरा पैर में गोली हो गई। आप लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जलालगढ़ से आ रहे थे पूर्णिया के लिए। तो ये घटना कहाँ घटी? जलालगढ़ हाईवे पे घटी। कितने बजे घटी? पीछे से वो लोग पीछा करते आवाज, अचानक ऐसा हुआ? तो अचानक नहीं पकड़ा। तो वो लोग बाइक से था क्या? हाँ बाइक से। कितना आदमी से था? तीन आदमी से था। तो रोका आपको? जब सटने लगा तो हम रोक दिए, पीछे से हमको ऐसे करके पकड़ा, तब हम रोक दिए गाड़ी। वो भी जो है ना तीन आदमी से था, एक आदमी उतर गया लेने लगा सब कुछ। उसके बाद दूसरा आदमी बोला चाबी भी ले लो, चाबी भी ले करके बस भाग गया। क्या रुपया था बैग में? मेरे पास बैग में हाँ? रुपया नहीं था। क्या था? कागज पत्र था, काम जो करते हैं उसका ये था। क्या काम करते हैं आप? टू व्हीलर का सेल का काम करते हैं। तो आपके साथ में और कोई था क्या? और कोई नहीं। इससे पहले भी कुछ इस तरह का आपके साथ हुआ है? क्या नाम है आपका? कौन था घर कहाँ का हुआ? विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। तो देर किस बात, जल्द आएं और नामांकन करवाएं।